करीबन 150 और कुछ बाइकर्स ग्रुप ने भी इसे साथ लिया एटीएम में, उनमें साथ दिया। साथ ही साथ में जिले की तीनों ही जो कि महिला हमारी डिस्ट्रिक्ट आइकॉन है, वो तीनों भी इसमें शरीक रही। और इसके अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी कही जा सकती है कि रैली का आयोजन हो पाया। शहर के भीतरी हिस्से में पहली बार कोई मतदाता जागरूकता है तो स्वीप के माध्यम से कोई कार्यक्रम आयोजित हुआ। और आशा करता हूँ कि सभी लोग पड़ोसी सगे संबंधियों को प्रेरित करेंगे कि वो 7 दिसंबर को मतदान अवश्य करें। हमारा कहना है ये विचार थे हमारे जिला स्वीप अधिकारी पुनीत शर्मा साहब के। और मैं योगा शर्मा केपीएम एक वेल इन्फॉर्म्ड कंपनी से आज के हमारे भाग लेने वाले सभी साथियों से उनका प्रतिनिधि है जुनैद जी, और जुनैद जी आए और अपने विचार व्यक्त करें। कोशिश कीजिएगा अधिक से अधिक मतदान दे, वोट दे और एक स्वे पार्टी बनाना। मैं ये बात नहीं कहना चाहूँगा हमारे राइडर्स की तरफ से और हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सबको बनाने का आदेश दिया। थैंक यू सो मच। अपने विवेक से वोट दें जिससे हमारा आगे वाला भविष्य ठीक रहे। यही मेरी आपसे शुभकामना है, शुभ मेरा विचार है कि आप अपना सोच समझ के वोट दें और उसका उपयोग अवश्य करें। ये नहीं कि हम घर बैठ जाएं और वहाँ पर वोट देने नहीं जाएं, ये आपका अधिकार है, अपने अधिकार का उपयोग करें। जय हिंद जय भारत। नागरिक प्रदेश से निवेदन है कि वो स्वयं भी अपने जितने भी आपके साथी हैं जो भी आस पड़ोस में जहाँ पे भी जोड़ रहते हैं उन सबको ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए प्रेरित करें और आप स्वयं वोट दीजिए। धन्यवाद। वोट का फायदा आप सब जानते हैं, वोट देना है आपको, वोट से आपकी अपने आप की सुरक्षा है, राष्ट्र की सुरक्षा है। राष्ट्र की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए आपको वोट देना है। अगर वोट नहीं देंगे तो राष्ट्र कमजोर हो जाएगा। रॉयल इनपुट के निवेदन है विक्रम जी जिन्होंने पूरी भागदौड़ संभाली। प्रशासन आप सभी से ये आशा करता है कि आगामी दिनों में जो भी कार्यक्रम जिला प्रशासन के माध्यम से आयोजित होंगे उन्हें इसी तरह से समय समय पर मतदान देते रहेंगे, शहर को जागरूक करते रहेंगे। ये शहर हमारा है और हम सभी का दायित्व बनता है कि हम सरकार के हर काम में अपने से कंधे मिलाकर के सहयोग करें। और जिला प्रशासन उदयपुर द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के सरगम सप्ताह के तहत आज समापन समारोह के दिन शहर में सभी युवा साथियों के साथ बाइक रैली का आयोजन किया गया था। शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर इस बाइक रैली में हिस्सा लिया। जिला कलेक्टर से ये बाइक रैली रवाना हुई और रॉयल मोटर पर इसका समापन हुआ। इसी दौरान शहर के युवाओं ने, युवतियों ने, बुजुर्गों ने, सभी ने भाग लिया और संदेश दिया शहर को कि बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लें और 100% मतदान कर शहर का नाम रोशन करें। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं जिला कलेक्ट्रेट से जिला स्वीप अधिकारी पुनीत जी शर्मा साहब, वो इस संदर्भ में आज जानकारी देंगे। पुनीत जी शर्मा, आज सरगम सप्ताह के तहत स्वीप गतिविधियों के तहत जिले में करीबन पिछले 2 माह से कार्यक्रम विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी हमने बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं जिसमें मेगा इवेंट्स भी हुए हैं। और उसी के क्रम में आज सरगम सप्ताह में आज अंतिम दिन मोटर बाइक रैली और एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली में सुबह 40 से 50 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया और अभी करीबन 100 से 150 पार्टिसिपेंट्स ने बाइक रैली में भाग लिया। बाइक रैली की विशेषता ये रही कि इसमें हीरो ग्रुप और केपीएम ग्रुप की तरफ से, रॉयल एनफील्ड और की तरफ से बाइक का हमें सहयोग प्रदान किया गया और इन बाइकर्स ने शहर के भीतरी
क्षेत्र में को पूरा कवर करते हुए करीबन 45 मिनट्स तक पूरा मतदान जागरूकता के लिए कैंपेनिंग किया, जिसके तहत बहुत ही अच्छा सफल आयोजन कहा जा सकता है। और ये रैली यहाँ पंचवटी में अभी समाप्त हुई, जो कि कलेक्ट्रेट से जिला कलेक्टर महोदय ने और श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमर चौधरी सर ने इसको हरी झंडी दिखा कर रवाना किया, जो कि शहर के भीतरी इलाके में होती हुई ये अभी यहाँ पहुँची हैं। और सभी का साथ ही साथ में सभी के साथ में यहाँ पर मैं आप देख रहे हैं कि इसमें पार्टिसिपेट करने में डिस्ट्रिक्ट की तीनों ही आइकॉन, जो कि शुरू से ही मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में के सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेती रही हैं, और इन्होंने काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया है कि 7 दिसंबर को बूथ पर जाकर मतदान अवश्य करना है। और इस बार शहर का जो मतदान प्रतिशत है, पूरे ज़िले का जो मतदान प्रतिशत है, उसको पूरे राजस्थान में हाईएस्ट रखना है। यही हमारा लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएँ। धन्यवाद। हमारे साथ हैं रॉयल मोटर्स के निदेशक मुस्तफ़ा साहब। ये हमेशा जिला प्रशासन द्वारा आयोजित विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों में और संदेशात्मक कार्यक्रमों में ये सहभागिता निभाते रहते हैं। आपसे भी जानते हैं कि 7 दिसंबर को जो मतदान होने वाला है, वो शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? धन्यवाद। मैं रॉयल मोटर्स की तरफ से शबीर मुस्तफ़ा ये संदेश देना चाहूँगा कि हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि फलानी जगह 70% हुआ, फलानी जगह 80% हुआ। मैं चाहता हूं कि उदयपुर शहर इन 60 सालों में नया रिकॉर्ड बनाए, 100% वोटिंग यहां हो, 100% हम लोग, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम खुद जाएं, हमारे पड़ोसियों को ले जाएं, हमारे परिवार वालों को ले जाएं, और जो लोग सक्षम नहीं हैं, जो बुज़ुर्ग हैं या किसी वजह से मतदान केंद्र पर पहुंच नहीं सकते हैं, उनकी भी हम मदद करें और उनको ले जा कर के वोट दिलाएं। वोट जो हमारा वोट है वो एक सरकार बनाता है और सरकार हमारा भविष्य बनाती है, तो हमारे भविष्य के लिए हम वोट कर रहे हैं। तो मेरा सबसे ये निवेदन रहेगा कि 7 दिसंबर याद रखें, 7 दिसंबर को सारे कार्यक्रम छोड़ दें, सुबह 8 बजे, बल्कि मैं तो समझता हूँ ये भी रिकॉर्ड बनाएगी, पहला वोट किसने दिया, पुल बोर्ड पर जाकर के मैंने पहला वोट दिया, ऐसा हमको देखने को मिलेगा। आज हमारी जागरूकता रैली यही कहती है कि हम सब अपने अमूल्य वोट का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जो जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो 3 डिस्ट्रिक्ट आइकॉन जो हैं, वो भी आज हमारे साथ हैं, और तीनों ही युवतियाँ शहर को कुछ कहना चाहती हैं, सुनते हैं इनके विचार। मालाजी सुखवाल अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, बहुत से इन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं। मैं माला सुखवाल अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर हूँ। मैं सभी को, शहरवासियों को यही एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैं खेलती हूँ, उसके लिए मुझे प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और एक दिन वो आता है जबकि टूर्नामेंट होता है, और उस टूर्नामेंट के दिन मैं अपनी पूरी जान लगा देती हूँ उस टूर्नामेंट में जीतने के लिए। तो आज हमारे जो निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने यही काम पिछले 2 महीने से जारी रखा है, बहुत मेहनत की है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और जो ये मतदान दिवस है, उसे एक लोकतंत्र का त्यौहार की तरह इन्होंने मनाया है, और पिछले 2 महीनों से बहुत प्रयास किए हैं, जन जन से हम लोग मिले हैं, संपर्क किया है, और लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया है। तो मेरा सभी शहरवासियों से यह निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में वोट दें, क्योंकि 4 या 5 लोग इकट्ठे होकर अच्छा और बुरा तो बोल देते हैं, पर उस अच्छे और बुरे का फैसला तभी होता है जबकि हम अपने मत का उपयोग करेंगे, जबकि कोई अच्छा व्यक्ति हमारे सामने आएगा जिसे हम चुनेंगे, जो हमारी सरकार बनाएगा, जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है, अपने मत का दान करना है, पर उसे विवेकपूर्ण तरीके से पूरा सोच समझ के अपने मत का दान करें, अपने मत का पूरा उपयोग करें, वो मत अमूल्य है, और लोकतंत्र को मजबूत और स्वस्थ बनाने में हमारे शहर का प्रत्येक व्यक्ति इसमें भागीदार। शहर के दिव्यांगजनों को मतदान करने के लिए पिछले लंबे समय से, जब से ये आइकन बनी है, तब से अनुरोध कर रही हैं। हमारे साथ हैं परवीन बानो, विचार सुनिए। मैं परवीन बानो उदयपुर शहर से, मैं अपने निशक्त भाई और साथी और सभी लोगों को यही कहना चाहूँगी कि हम एक होकर एकता दिखाकर और हम निशक्त
होने के बावजूद हमें स्पेशल जो सहायता इस बार हमें निर्वाचन आयुक्त द्वारा हमें मिली है और मतदान जागरूकता के लिए और हमें स्पेशली जो सेवाएं देने के लिए तैयार है, तो हर निशक साथी से निवेदन करती हूँ कि वो मतदान पर जाए, अपना अमूल वोट देकर अपने कर्तव्य निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक चीज़ और, रॉयल मोटर्स ने एक अभिनव प्रयास किया है मतदाता जागरूकता के लिए, और इनके जो विक्रम हैं, प्रबंधक हैं इनके, वो बताएंगे इन्होंने क्या नया किया है। हमने हमारे यहाँ आने वाले सभी ग्राहक बंधु जो हमारे इस रॉयल हीरो परिवार से जुड़े हुए हैं, उनको हम सब जब भी हमारे यहाँ वो गाड़ी से सर्विस रिलेटेड यहाँ पधारते हैं, तो हम उनको ये ज़रूर आग्रह करते हैं कि सर आप जो चुनाव है अपना, राजस्थान के चुनाव आ रहे हैं 7 तारीख को, उसके अंदर अपना मतदान अवश्य देवें, क्योंकि ये हमारा हम उनसे संकल्प भी लेते हैं कि ये काम अपना सबका अपना ये कर्तव्य है, करना है ये कर। और रॉयल हीरो परिवार से जुड़े हम सब जो भी हमारे जो टीम है, युवा टीम, हम सब भी इस चीज़ का संकल्प ले चुके हैं कि इस बार मतदान में हम सभी लोग योगदान देंगे, सहयोग करेंगे, और हमारे एरिया और हमारे से जुड़े हर व्यक्ति को हम इसके लिए अनुरोध करके इस चुनाव आयोग की जो ये है उसके लिए हम सहयोग करेंगे हमारी तरफ से पूरा। प्रदीप जी मेघवाल हैं हमारे साथ, और स्काउट और गाइड के तौर पर आपने लंबे समय से प्रशासन के साथ सहभागिता निभाई है, ये भी अपने विचार रखना चाहते हैं युवाओं के लिए। सभी को जय हिंद। मैं इस लोकतंत्र के पावन अवसर पर सभी को यही निवेदन करना चाहूँगा प्रदेशवासियों से कि आप सभी इस महालोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें अपना जो भी कार्य है, कैसा भी कार्य है, उसको छोड़ दें और सर्वप्रथम अपना जो है मत डाल के उसके बाद अन्य कार्य करें। और इस अवसर पर मेरे साथ में हिंदुस्तान स्काउट के राष्ट्रीय संगठन आयुक्त एवं राज्य सचिव महोदय नरेंद्र जी ओदीची भी विराजमान है साथ में। मैं चाहूँगा कि आप जो हैं थोड़ा धन्यवाद। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो दिव्यांग की बात हुई थी, तो इस बार राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि हर एक बूथ पर एक स्काउट और गाइड को तैनात किया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि दिव्यांगजनों को वहाँ तक पहुँचने में थोड़ी समस्या होती है, और उस समस्या को कम हो जाए और वो अपना वोट का, मत का पूरी तरह से उपयोग कर सके, अपना मतदान दे सके, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। मैं सिर्फ आप सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा, 7 तारीख आप पूरी तरह से याद रखें और आप अपना मत का प्रयोग करें, अपने साथियों को और पड़ोस वालों को भी कराएँ। धन्यवाद। NCC से हमारे साथ आए हैं श्रीमाली साहब, और ये हमेशा ही हर कार्यक्रम में सहभागिता निभाते हैं। आपसे भी अनुरोध करूंगा सर कि 7 दिसंबर के लिए आप शहरवासियों से मतदान के लिए अपने विचार व्यक्त कर। उपस्थित सज्जनों, मैं अभी इतनी बात हो चुकी है फिर भी एक ही बात कहूंगा कि जो भी अवसर हमको मिला है इस समय मत देने का, तो आपको सबको मत देना है और मारो कहना है, वोट देना है, क्योंकि मेरे पास NCC स्काउट्स वगैरह, NSS सभी और कई सारे कॉलेज वगैरह सारे जुड़े हुए थे। मैंने सब में ये प्रचार किया कि आप अपने घर में अपने माता पिता से शुरू करें, भाई बहनों से शुरू करें जो आपको 18 वर्ष से ऊपर हैं, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लाएँ। अगर एक एक बच्चा अपने परिवार के 3-4 सदस्यों को भी वहाँ लाएगा तो मैं सोचूंगा कि हमारा मतदान का जो 100% का जो टारगेट है वो अवश्य पूरा होगा। मैं पूर्ण आशा करता हूं कि हमारे जो NCC कैडेट्स हैं वो भी मतदान केंद्रों पर जाकर सेवा का काम करेंगे, जैसा कि स्काउट्स वगैरह गाइड्स करेंगे, उससे NCC के बच्चे भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। यहां पर एक रॉयल मोटर्स के कार्मिक हैं, युवती हैं, शहर की युवा पीढ़ी से कुछ कहना चाहती हैं। माय नेम इज़ प्रीति। सभी लेडीज़ या गर्ल्स को वोट देना है, अपना समय कीमती निकाल कर सभी को मतदान देना ज़रूरी है। धन्यवाद। सबने देणो है।
दिसंबर में बूथ पे जाना है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी, वीवी पेट में देखनी है, हाँ हाँ वीवी पेट में देखनी है, मारो कहनो है जी, वोट देनो है जी, वोट सब ने देनो है, हाँ हाँ वोट सब ने देनो है। नोट नी लेनो है, दार नी पीनो जी, दबाव नी सहनो है जी, दबाव नी सहनो है जी, लोकतंत्र मजबूत करनो है, हाँ लोकतंत्र मजबूत करनो है, मारो कहनो है जी, वोट देनो है जी, वोट सब ने देनो है, हाँ वोट सब ने देनो है, पाया वोट सब ने देनो है, कुका वोट सब ने देनो है, रे बापू वोट सब ने देनो है, ओ बेना वोट सब ने देनो है, बासा वोट सब ने देनो है।